चैप्टर uh, वन मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं पिछली वीडियो में उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन uh, में दे दूंगा और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है चैप्टर नंबर टू विच इज स्केलेटन दस चैप्टर्स हैं वन बाय वन सारे चैप्टर्स हम डिस्कस करेंगे सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर टू विच इज द जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ टन ओके वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर क्योंकि इसमें आपको डिफरेंट बोन के बारे में कार्टिलेजी के बारे में तमाम जनरल कॉन्सेप्ट एंड दे विल हेल्प यू टू बिल्ड योर यू नो न्यूरल स्कीम फॉर अंडरस्टैंडिंग रीजनल एनाटमी अपर लेम लोअर लेम सब जब पढ़ेंगे आगे रीजनल एनाटमी क्लिनिकल एनेटमी में तो उसके लिए आज जो हम टर्म्स डिस्कस करेंगे वो सारी बहुत ही यूजफुल होंगी ओके okay? में यूज होता है और इसीलिए जब कभी बोन से एसोसिएटेड कोई भी चीज कोई भी ट्रम आपको एनेटमी में समझाई जाएगी तो वो इस तरह होगी देखें ऑस्ट्रियोलॉजी इसमें वर्ड ऑस आ गया फ्रॉम दिस ऑस ऑस्ट्रीटिम ग्रीक सो ऑस्ट्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बोन ऑसिफिकेशन ओमा इज द ट्यूमर अब देखिए यहां आपको चैप्टर वन की इंपॉर्टेंस समझ में आनी चाहिए चैप्टर वन में हमने ये सब जनरल टर्म्स पढ़ी थी कि आइटस होगा तो इन्फ्लमेशन ओमा होगा तो ट्यूमर टमी होगा इसका मतलब आप उस पार्ट को ओपन कर रहे हैं सो so, लेप्रोटमी मैंने आपको बताया था ऑस्टीआटमी बताया था सो so, ये सारी जनरल टर्म्स जैसे जैसे आप इन जनरल जेनरलैडमी के चैप्टर से गुजरते जाएंगे ये जनरल टर्म्स आपको बहुत आसानी से समझ में आनी चाहिए ओके okay? अगर नहीं तो फिर वीडियोस बार बार देखिए नाउ यहां कुछ डिस्क्रिप्शन लिखिए बोन के हवाले से डू रीड दिस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कुछ बेसिक बेसिक बातें मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं बोन इज यूजली वन थर्ड ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू ओके पूरी बोन में तकरीबन वन थर्ड कनेक्टिव टिश्यू है यानी कि वो सेल्स जो कि कनेक्टिव टिश्यू कहलाते हैं राइट इट आल्सो कंटेन्स वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल्स यू नो दिस इज कैल्शियम सॉल्ट्स व्हिच इज ऑलमोस्ट टू थर्ड पार्ट ऑफ द बोन स्ट्रक्चर ओके द इनऑर्गेनिक कैल्शियम सॉल्ट मेनली कैल्शियम फॉस्फेट पार्टली कैल्शियम कार्बोनेट एंड ट्रेसिस ऑफ अदर सॉल्ट मेक इट हार्ड एंड रिजिड ओके और बोन का हार्ड और रिजिड होना हमारे लिए बहुत जरूरी है सो दैट इट कैन अफोर्ड रेजिस्टेंस बोन का काम क्या है बेसिक आपकी बॉडी को सपोर्ट देना ओके एंड ऑल द कंप्रेसिव फोर्सेस जो कि हमारे वेट से और चीजें उठाने से और वॉकिंग से तो वो सब बेयर करना बोन का काम है ओके द ऑर्गेनिक कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द बोन विच इज मेनली मेड अप ऑफ कोलेजन मेक्स इट टफ एंड फ्लेक्सिबल So, ये आपको पता होना चाहिए कि हमारी बोर्ड के हमारी बोन्स के कौन से कंपोनेंट उसे हार्ड और रिजिड बनाते हैं और कौन से कंपोनेंट्स उसे टफ और फ्लैक्सिबल बनाते हैं सो फ्लैक्सिबिलिटी एंड टफनेस इज कोलेजन हार्डनेस एंड रिजिडिटी इज बिकॉज ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ओके तो ये आपको इस तरह से पता होना चाहिए कि वॉट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ द बोन दैट इज Collagen and what is responsible for hardness and rigidity of the bone? Okay, so rigidity of the bone that is calcium stuff. So these two things you should master. Now, despite its hardness and high calcium content, the bone is very much a living tissue. देखिए आपने ये नहीं समझना कि बोन कोई डेड टिश्यू है इसकी वैस्कुलर सप्लाई है इसमें नर्व सप्लाई है पार्ट्स ऑफ द बोन कैन फील पेन दे आर सेंसिटिव टू पेन पेन फाइबर्स होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के सो दैट इज वेरी मच अ लिविंग टिश्यू सो यू शुड नो दिस ओके एंड इट हैज ग्रेटर रीजनरेटिव पावर देन एनी अदर टिश्यू ऑफ द बॉडी सो बोन कैन रीजनरेट फ्रैक्चर हो जाता है हड्डियां टूट जाती हैं दोबारा बन जाती हैं ओके इट कैन मोल्ड इट सेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इट बियर्स वेरी इंपॉर्टेंट Uh, जिस डायरेक्शन में स्ट्रेस होगा जिस डायरेक्शन में प्रेशर होगा उस डायरेक्शन में बोन के फाइबर्स अपनी शेप अंडरस्टैंडिंग हम okay? uh, हो हमारा जो पूरा स्केलेटन है जो कि अगली यहां पिक्चर में दिया हुआ भी है इस पूरे ह्यूमन स्केलेटन को अगर हम ब्रॉडली डिवाइड दैट इज डिड इंटू एन एक्सियल स्केलेटन अच्छा दूसरा पोर्शन क्या लाता है एपेंडिक्यूलर स्केलेटन अब आपको पता होना चाहिए कि एक्सियल स्केलेटन में स्कल होता है और थॉरेक्स होता है सो ये आप यू शुड रिमेंबर दिस ओके यानी अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो ये जो सेंट्रल का पार्ट है स्कल आपका ये पूरा थॉरेक्स राइट एंड ऑब्वियसली वर्टिबल कॉलम दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ द वर्टिबल कॉलम इज वेल दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ योर एग्जील स्कैलेटन ओके एंडेंडिक्यूलर स्कैलेटन में गर्डल्स होते हैं शोल्डर यानी कि जिसे हम पेक्टोरल गर्डल कहते हैं और हिप जिसे हम पेल्विक गर्डल कहते हैं और उसके अलावा अपर लिम एंड लोअर लिम यानी अगर इस पिक्चर को मैं देखता हूं तो so ये सेंटर का जो सारा पोर्शन है ये पोर्शन हेड वर्टिपल कॉलम एंड रिप्स ये क्या कहलाता है जनाब इसको हम नाम देते हैं एक्सियल स्केलेटन और शोल्डर दैट इज द शोल्डर दैट इज द हिप अपर लेम एंड लोअर लेम ये सब क्या कहलाता है दिस इज ऑल नोन एज अपडिक्यूलर स्केलेटन अच्छा फिर यहां पे इन्होंने बोन्स के भी डिविजन बताई है कि जी क्रेनियम में यानी स्कल में आठ हड्डियां होती हैं फेस में चौदह हड्डियां होती हैं सो इफ यू वॉन्ट टू रिमेंबर

फिर निमोनिक्स वगैरह आई आई दी निमोनिक्स निमोनिक्स एम एम नॉट अ अ गाय ओके पर्सन सो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए और उससे हर चीज आपको खुद याद रह जाती है फिर आपको ये निमोनिक्स की जरूरत पड़ती नहीं है नॉ बोन्स के फंक्शन इट ऑब्वियसली गिव शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी आपकी बॉडी की शेप सपोर्ट इसके लिए जरूरी है इट इज द प्लेटफॉर्म फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स टेंडन इसी पर इसी बोनी स्ट्रक्चर पर सारे मसल्स अटैच होते हैं इट सर्व एज लिवर फॉर मस्कुलर एक्शन ऑब्वियसली ये काफी स्ट्रांग चीज है हम आपका पूरा स्केलेटन तो मसल्स की सारी मूवमेंट उसी स्केलेटन पर होती है ओके okay? uh, इट प्रोटेक्ट ऑब्वियसली सॉफ्ट पार्ट ऑफ यूर बॉडी क्रेनियम के अंदर ब्रेन है सो प्रोटेक्शन इसका एक इंपॉर्टेंट काम है आपके स्कैलेटन का बोन के अंदर बोन मैरो ब्लड प्रोड्यूस करता है स्टोर हाउस फॉर कैल्शियम नाइनटी सेवन परसेंट ऑफ द बॉडी इज स्टोर इन इन योर बोन बोन मैरोन्स रेडुलर इन सेल्स विच आर फैगोसाइटिंग इन नेचर ऑब्वियसली ब्लड सेल्स बनाते हैं तो उसमें आपके डब्ल्यू बी सीज भी शामिल है और डब्ल्यू बी सीज आपके सोल्जर्स ऑफ द बॉडी है विच आर इंपोर्टेंट फॉर यू ओके फॉर फाइटिंग Against infection, the larger paranasal sinuses, uh, timber of the voice. Face में यहाँ जो हड्डियाँ होती हैं, इन हड्डियों में अंदर air cavity होती है। कल आपको याद है मैंने बताया था bones में cavities होती हैं। इसकी वजह से आपकी voice की resonance और आपकी voice की pitch और quality तय होती है, decide होती है। Okay? So that is another function of bones which you should remember. Next है, what are the

ये जो पोर्शन देख रहे हैं इस बोन का द लॉन्ग पोर्शन द शैफ्ट दिस इज कॉल्ड देखिए यह नाम लिखा हुआ है इसका दिस इज कॉल्ड डायाफिसिस ओके सो दिस लॉन्ग बोन हैज अ डायाफिसिस और इसके दोनों एंड्स पर ये सर्कल्स मौजूद हैं विच आर कॉल्ड एपिफिसिस। तो कोई भी ऐसी बोन जिसके पास है है, और एपिफिसिस उसे हम नाम देंगे लॉन्ग बोन लॉन्ग बोन का मतलब यह नहीं है कि लंबी हड्डियों क्योंकि मैं अभी आपको बताऊंगा कि कुछ बहुत ही छोटी लेंथ की बोन्स को भी लॉन्ग बोन्स कहा जाता है क्योंकि उनमें डायफिसिस है और एपिफिसिस है राइट द दैफ्ट टिपिकली हैज थ्री सरफे ओके एंड दो थ्री सरफेसिस उनके नाम अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूं आ, ये बात यहां पे ये हो रही है कि ये जो शाफ्ट है इसकी सबसे आउटर लेयर होती है विच इज कॉल्ड द कॉल्डियम फिर एक बीच में बोन का पोर्शन होता है और फिर अंदर एक कैविटी होती है जिसे हम नाम देते हैं बोन मैरो कैविटी ओके सो ये तीन उसकी लेयर्स हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे बट दैट्स दी स्ट्रक्चर ऑफ द लॉन्ग बोन क्या होगा उसमें डायफिसिस और दोनों एंड्स पर क्या होंगे राइट नॉट टिपिकल लॉन्ग बोन

कैविटी नहीं हो clavicle. Clavicle कहां होती क्लैविकल क्लैविकल कहाँ होती है जनाब स्केलेटन में दिखाता हूं आपको वेर इज क्लैविकल दिस इज क्लैविकल ओके इसे हम ब्यूटी बोन या शोल्डर बोन भी कहते हैं तो जो शोल्डर बोन है वो क्लैविकल है इस ये है तो लॉन्ग बोन लेकिन इसमें कोई मेडुलरी कैविटी यानी बोन मैरो नहीं है ओके okay? सो so ये पहली कैटेगरी हो गई बोन्स की लॉन्ग बोन्स अगली कैटेगरी है जिसका नाम है शॉर्ट बोन्स ना शॉर्ट बोन्स दे स्मॉल बोन्स यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ क्यूब्स और क्यूनीफॉर्म्स और ये आम तौर पे एग्जांपल कार्पल बोन्स की है कार्पल बोन्स किधर होती हैं ये देखें अगेन ये आपका हैंड है और ये मैं आपकी रिस्ट बना रहा हूं ओके दिस इज योर रिस्ट और फिर ये आपका फोर आर्म है तो यहां पर इस एरिया में आपके रिस्ट एरिया में हैंड को जो कनेक्ट कर रही है आपके अपर लिम के साथ इन बोल्स बोन्स में जो बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स हैं जिनके नाम आपको आगे चल के मैं अपर लिम में याद करवाऊंगा क्यूबाइड क्यूनिफॉर्म ट्रिपोसॉइड स्केफोइड ये सब छोटी बोन्स इन्हें कहते हैं शॉर्ट बोन्स ओके देन देर फ्लैट बोन्स फ्लैट बोन्स वो होती हैं दे आर नॉट लॉन्ग और नाम से जाहिर है कि फ्लैट होंगी जैसे कि स्कल में होती हैं अच्छा स्कल की बोन को आप ये मत समझिएगा कि वो राउंडेड बोन्स है बहुत सारी

शोल्डर में होती है वो बोन की डायग्राम इन्होंने कहीं ना कहीं शो की होगी लाप मी शो यू दिस इज स्कैपुला ओके ये आपके शोल्डर पे होती है दैट इज अ फ्लैट बोन ये देखें रिब रिब में कोई एपिफिसिस नहीं है देर आर नो एपिफिसिस एपिफिस लॉन्ग बोन नहीं है ओके दैट्स अ फ्लैट बोन तो ये दोनों एग्जाम्पल हैं फ्लैट बोन्स की ये मैं आपको बता रहा था शॉर्ट बोन्स ओके जो कि आपके रिस्ट एरिया में कनेक्ट करती हैं आपके मेटाकार्पल्स को दीज आर मेटाकार्पल्स अब देखें ये छोटी सी है लेकिन लॉन्ग बोन है क्योंकि इसमें एक डायाफिसिस है और दो एपिफिसिस हैं तो अगर डायफिसिस और एपिफिस दोनों हो सो इसको हम नाम या एक भी अगर एपिफिस अवेलेबल हो प्रॉपर एपिफिस हो इसमें एक है सो दैट इज अ लॉन्ग बोन सो लॉन्ग बोन हो गई शॉर्ट बोन हो गई फ्लैट बोन्स हो गई इेगुलर बोन्स इसकी एग्जाम्पल है वर्टिब्री हिप बोन इनका स्ट्रक्चर इरेगुलर होता है नोमैटिक बोन्स वो बोन्स होती हैं जिनमें एयर कैविटी होती है अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताई फेस में ये बोन्स होती हैं उसकी वजह से आपकी वॉइस रेजोनेट करती है फॉर एग्जाम्पल मैग्जिला स्फिनोइड इंपॉर्टेंट ही है क्योंकि अगर अक्सर आपने सुना है साइनस की बीमारी हो गई है जी साइनस की बीमारी रीजन ये होता है कि आपकी में फॉर एग्जांपल जो एयर है, उसमें इंफेक्शन हो जाता है और उसमें पस जनरेट हो सकता है, so sinuses, okay? bones, काम को करना होता है और लुब्रिकेशन इनका काम होता है एंड देयर फॉर दे आर यूजली लुब्रिकेटेड बायोवियल इनकी एग्जाम्पल है पटेला जो आपकी नी पर होती है ओके सो दीज बोन्स आर कॉलोइट बोन्स Function, resisting pressure, minimizing friction, helping the movements of the body. Okay? So what I'm talking about is different types of bones. have different types of bone, irregular bones, hai, vertebrae, hai koi shape, प्रोमिनेंट नहीं है इसको मैं ना सर्कल कह सकता हूं ना स्क्वायर कह सकता हूं ना रेक्टेंगल कह सकता हूं ना प्रॉपर ट्रायंगल है तो ये इररेगुलर शेप है ओके सो इररेगुलर बोन्स हमने डिस्कस कर ली आ, फिर यहां पे ये एयर कैविटी बता रहे हैं एयर सेल्स होते हैं सो न्यूमैटिक बोन्स न्यूमैटिक बोन्स जिनमें एयर कैविटी होगी ओके न्यूमेटिक बोन्स ऑलराइट ओके आगे चलते हैं आ, Uh, ये सिजमोइड बोन की एग्जाम्पल है जो यहां पटेला सिजमोइड बोन जो आपकी नी पर होती है ओके okay? देन uh,

ट्राइगोन सूचर बोन यानी क्रेनियम की जो हड्डियां हैं वो एक बोन है क्रेनियम की दूसरी बोन है क्रेनियम की इनके बीच में सूचर है तो यह एक बोन है ओके और यह एसेसरी बोन है इसी तरह ट्राइगोन विच इज द टैलस काम पड़ेंगे आगे चल के इसलिए भी आपको मैं बहुत टाइम नहीं लगा रहा ट्यूब्रोसिटी इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि अगर कोई पोस्टमार्टम का केस कर रहे हैं या फोरेंसिक मेडिसिन का कोई केस कर रहे हैं किसी की डेड बॉडी एनालाइज कर रहे हैं और ये एक्स्ट्रा बोन आपको मिल जाए तो ये दिखने में ऐसे लगेगा ये फ्रैक्चर्ड बोन है तो आपको पता होना चाहिए हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ फ्रैक्चर बोन एंड एन एसेसरी बोन ओके तो ये दिस यू शुड नो वरना पूरा लीगल केस डिफरेंट हो जाएगा अच्छा अब बोन्स की एक तो ये क्लासिफिकेशन हो गई जो मैंने आपको बताई स्ट्रक्चर के हवाले से दोबारा एक दफा रिपीट कर रहा हूं आ, बार बार आपने भी ये वीडियो सुननी है देखनी है ताकि आपको याद रह जाए ठीक है लॉन्ग बोन्स अकॉर्डिंग टू शेप बोन की क्लासिफिकेशन क्या है लॉन्ग बोन्स शॉर्ट बोन्स फ्लैट बोन्स इरेगुलर बोन्स न्यूमेरिक बोन्स बोन्सिमोट बोन्स एसेसरी बोन्स यू शुड रिमेंबर दीज नेम्स विद एग्जाम्पल्स ओके हमने सब डिस्कस किए हैं हेड्रोट्रॉपिक बोन्स। अच्छा बोन को एक तो हम उनकी शेप के हिसाब से क्लासीफाई कर सकते हैं और दूसरी क्लासिफिकेशन बोन्स की हो सकती है बाय देर डेवलपमेंटल प्रोसेसेस, ओके okay? क्या मतलब हुआ मतलब ये हुआ कि मेम्ब्रेनस बोन्स अच्छा, मेम्ब्रेन बोन्स वो होती हैं जो इनिशियली ड्यूरिंग एम्ब्रियाजेसिस डेवलपमेंट के दौरान मेम्ब्रेन्स फॉर्म करती हैं, उन मेम्ब्रेन्स पर बाद में ऑसिफिकेशन का प्रोसेस होता है और बोन्स बनती हैं। तो सबसे पहले मेंब्रेन बनेगी फिर बोन बनेगी ओके एंड दे आर ड्राइव फ्रॉम

होता है ossify होता है और उससे बाद में बोन बनती है, okay? जिसमें कुछ बोन का पार्ट में कुछ कार्टिलेज बनता है, कुछ cartilage बनता है cartilaginous bones, और इनकी एक्साम्पलिकल so आपको याद होनी चाहिए विदर एक्साम्पल्स वेरी इंपॉर्टेंट ओके स मोस्ट ऑफ द बोन्स ऑफ द बॉडी कंपेयर टू द विरल बोन विच डेवलप फ्रॉम द फेरजियल आर्चिसनेशन इंपॉर्टेंट है आपकी एम्ब्रियोज में इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर से अगर बोन्स डेवलप होती है तो उन्हें हम कहते हैं विसरल बोन उनकी एग्जाम्पल है एयरिकल एंड सम पार्ट ऑफ द मैंडिबल इन हाईवाइट हाईवाइट बोन आपके नेक रीजन में मौजूद होती है पॉइंट यह है कि आपको बोन्स की क्लासिफिकेशन हर तरह से आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू शेप

और कैंसलस भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गौर से सुनिएगा कॉम्पैक्ट बोन का मतलब नाम कॉम्पैक्ट से जाहिर है इट्स अ डेंस स्ट्रक्चर ओके काफी सख्त गहरा गाढ़ा स्ट्रक्चर होता है बट इज एक्सट्रीमली पोरस लेकिन सुराखदार होता है इट इज इन द ऑफ द लॉन्ग बोन दिस एनडाप्टेशन ऑफ अच्छा ये जो इतने इतना ज्यादा ये हम कह रहे हैं ना कॉम्पैक्ट सख्त होती है हार्ड होती है पोरस होती है ये इसलिए होती है ताकि आपकी बोन बहुत स्ट्रांग हो सके ठीक है कंप्रेशन टेंशन और शेयर को बर्दाश्त कर सके राइट right, ओके okay. अब ये यूजली होती है डायफिसिस में आपको ये आपको देख के क्या बताएंगे लॉन्ग बोन है या नहीं है यस इट्स अ लॉन्ग बोन क्योंकि इसमें ये डायफिसिस है और ये ऊपर क्या है एपिफिसिस नीचे क्या है Epiphysis. तो में ये जो बाहर की बोन होती है, कॉम्पैक्ट बोन कॉम्पैक्ट बोन इन लॉन्ग बोन और जो स्पंजी बोन होती है या उसका दूसरा नाम है कैंसलस बोन या ट्रेबैक्यूलर बोन इज ओपन इन टेक्सर इज मेड अप ऑफ ट्रेबैक्यूली रॉड्स एंड प्लेट्स बिटवीन विच स्पेसेस दे आर प्राइमरली प्रेजेंट एट दी फेसेस कहां पाई जाती है ये देआर प्राइमेरली प्रेजेंट एट दैपी फेसेस ओके सो यह डायग्राम देखते हैं राइट लुक एट दिस डायग्राम हेयर Uh, so, uh, ने जाते हैं तो अक्सर गोश वाला अगर आपको बीफ का गोश आप ले रहे हैं रान का गोश दे रहा है तो उसमें ये ये वाली हड्डी होती है इस बोन को अगर काटे तो कितना स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होता है और जब इसका सालन बनता है ब, ब, बड़ा पतला पानी वाला शोरबे इस इसमें पूरा जज्ब हो जाता है और फिर बाज लोग इसको बड़े मजे मजे लेके चूसते भी हैं ताकि उसका टेस्ट सालन का उनके मुंह में जाए इस हड्डी के थ्रू राइट सो बिकॉज दिस इज स्पंजी बोन दिस इज ऑल स्पंजी ओके तो ये आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए बोन का कॉम्पैक्ट बोन कहां होती है इन द डायफिसिस स्पॉन्जी बोन कहां होती है इन द एपीफिस ओके फिर माइक्रोस्कोपिकली इट कैन बी लैमुलर बोन इट कैन बी वोवेन बोन बोन डेंटाइन एंड सीमेंट सीमेंट दांतों में पाया जाता है डेंटाइन दांतों में पाया जाता है बोन इज यूजली नहीं होती और वोवेन बोन्स आर ऑल्सो सीन इन फीटल फ्रैक्चर और रिपेयर में भी ये डेवलप हो सकती है इनका स्ट्रक्चर वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता इट्स वोमन लाइक दिस ओके लैमुलर बोन हमारी ज्यादातर बोन्स ऐसी ही होती हैं और लैमुलर का मतलब ये है कि बोन एक सॉ पार्ट नहीं होता इस तरह से इट्स नॉट लाइक दिस अ सॉलिड थिंग ओके द बोन इज यूजली लाइक लैमिलर डिफरेंट प्लेट्स होती है वो एक छन्नी की तरह सीव की तरह और लैमिलास बनाती है ताकि बोन को स्ट्रेंथ मिले ओके राइट right. अब ये एक बड़ा अच्छा टेबल है जो आपको अच्छे से पढ़ना है अभी तक जितनी बात की उसके बेसिस पे ये समझ में आना चाहिए कॉम्पैक्ट बोन कहां होता है डायफिसिस में कैंसिलस बोन कहां होता है एपिफिसिस में राइट इट्स अरेंज इन दाइब्रोजन सिस्टम टू मेक इट वेरी स्ट्रॉन्ग इसके लेमिला की अरेंजमेंट अरेजमेंट बात हो रही है और यह मेशवर्क right? होता है राइट बोन मैरो होता है कॉम्पैक्ट बोन के अंदर और कैंसलस बोन के अंदर यूजली बोन मैरो नहीं होता बल्कि रेड सेल प्रोडक्शन आरबीसी ये हो रही होती है राइट right? ओके okay? और नेचर इट इज वेरी हार्ड एंड इट इज वेरी स्पंजी कैंसल बोन नाम से पता लग रहा है इट्स वेरी स्पंजी ओके सो रिमेंबर दिस टेबल वेरी इंपॉर्टेंट न्या ये uh, हम पहले भी बात कर चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ लॉन्ग बोन उसमें एक शाफ्ट होगा यह आपने पढ़ लिया यहाँ उसकी लेयर्स बता रहे हैं सबसे आउटर लेयर लेट मी सी डायग्राम डायग्राम सो इज अ टेक्स्ट आप खुद पढ़ लीजिएगा ठीक है? है।, है।, है, है।, अच्छा, है ये वाली इसको हम नाम देते हैं पेरियस्ट्रियम उसके बाद ये जो बोन है इसको हम नाम देते हैं कॉटेक्स या कॉम्पैक्ट बोन और फिर अंदर ये जो कैविटी है दिस इज कॉल्ड मेडुलरी कैविटी ओके इसमें बोन मैरो सबसे अंदर होगा उसके बाद कॉम्पैक्ट बोन होगी उसके बाद सबसे बाहर होगा सब इनर लेयर है, इसमें कौन सी बोन होगी अंदर होगी मेडुलरी कैविटी अच्छा, दो एंड्स कौन से होते हैं, ये कहलाते हैं और पर आप ये देखें, कार्टिलेज है इस कार्टिलेज को कहते हैं हाइलाइन कार्टिलेज कार्टिलेज एट जॉइंट्स के बीच में जो मूवमेंट हो रही है वो फ्रिक्शन कम से कम हो अब फर्दर इसको पढ़ते िस में कैंसलस बोन होगी यू नो दैट दिस इज कैंसलस बोन ओके और यहां पर कॉम्पैक्ट बोन होगी अच्छा एपिफिसिस और डायाफिसिस के बीच में यह चीज मौजूद है ब्लू कलर की इसे कहते हैं

ठीक है यहां पर एपिफिसिस का एक पार्ट जो है वो ट्रैक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपके लिम्ब की मूवमेंट हो ये हाथ ऊपर उठाना होगा ये हाथ यूं एबडक्शन करना होगा ये हाथ करना होगा तो वो ट्रैक्शन जो हो रही है वो इस एपिफिस के पार्ट से हो रही है तो इसे हम कहते हैं ट्रैक्शन और ये वाला जो पार्ट होगा ऑब्वियसली यहां पे ये यह प्रेशर बर्दाश्त करेगा सो तो इसके काम आपको पता होने चाहिए एपिफिसिस के इट बेयर्स प्रेशर एंड इट बेयर्स ट्रैक्शन उसके लिए इंपॉर्टेंट है राइट ओके okay, अच्छा फिर ये एटिविस्टिक एपिफिस फैलोजेनेटिकल एंड इंडिपेंडेंट मोड विच मैन बिकम इतनी कोई रेलिवेंट बात नहीं है क्लिनिकली कोई दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओके okay? डायफिसिस मैंने आपको बता दिया इट्स लॉन्गेस्ट इट शाफ्ट यानी ये दिस इज द डायफिसिस ऊपर एपिफिसिस है तो ये बात अब आपको हिप्स हो जानी चाहिए वॉट इज मेटाफिसिस एपिफिसियल एंड ऑफ अ डायफिसिस बड़े मजे से लिखा है सो so, यह डायफिस है और एपिफिसिस की तरफ यह जो एंड होता है यानी एक बात जो समझने की है कि बेसिकली मेटाफिसिस इज पार्ट ऑफ द डायफिसिस डायाफिसिस का वो हिस्सा जो एपिफिसिस की तरफ है उसे हम नाम देते हैं क्या

इस एरिया में बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है इसलिए यहां इन्फेक्शन के है। आ, यह बड़ी बात है। अपर एंड लोअर ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है और देखें यहां जाकर हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर बना रही है मेटाफिसिस के अंदर तो ये वो जगह है जहां अगर इंफेक्शियस ऑर्गेनिज्म आएगा तो स्टक हो जाएगा फंस जाएगा और यहां इंफेक्शन के चांसेस हैं आसान जबान में अगर समझाऊं तो अगर मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि बच्चों में बोन में ऑस्ट्रियोमाइलाइट सबसे ज्यादा किस जगह पर होता है तो आपका जवाब होना चाहिए मेटाफिसिस। मेटाफिसिस इज द स्पेस जहां पे इंफेक्शन बहुत कॉमन है लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तो वो आर्टरीज वहां पर उस तरह से नहीं होती इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं ओके सो so, मेटाफिस इज द कॉमन साइट ऑफ ऑस्टोमाइल इन चिल्ड्रन और इसका रीजन आपको पता होना चाहिए कि वहां पे बैक्टीरिया ट्रैप हो जाते हैं उन ब्लड सप्लाई की एंडिंग्स में ओके सो दिस यू शुड रिमेम्बर देन देर इज एपिफिजल प्लेट ऑफ कार्टिलेज ये ब्लू चीज जो आपको बताई दी एपीफिजल प्लेट ऑफ कार्टलेज इट सेपरेट्स दी एपिफिसिस फ्रॉम मेटाफिसिस यानी ऊपर एपिफिसिस होगा फिर ये कार्टिलेज होगी उसके बाद ये डायफिसिस शुरू हो जाएगा और डायफिसिस का ये वाला पार्ट फॉरन जो एपिफिसिस के नीचे है uh, उसे हम नाम देते हैं मेटाफिसिस सो बेसिकली एपिफिसिस को और मेटाफिसिस को सेपरेट कौन कर रहा है ये चीज कार्टिलेज ओके तो ये कार्टलेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेंथ वाइज ग्रोथ ऑफ द बोन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोम क्योंकि यहां जब सेल ग्रोथ होगी सेल प्रोलिफरेशन होगी तो आपकी बोन में लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ होगी ओके रिमेंबर दिस पॉइंट ब्लड सप्लाई बोन्स देर आर लॉन्ग बोन्स न्यूट्रिय आर्ट्री इसके बारे में मैंने जिक्र किया कि एक आ रही है जो बोन में एंटर होगी लॉन्ग बोन में लाजमी तौर पर एंटर होगी इट इनटू असेंडिंग डिसेंडिंग ब्रांच और उसके बाद अगर ये यहां पर फ्यूजन नहीं हुई है इन पोर्शन की तो यह हेयर पिन लूप बनाएगी मिटाफिसिस में साइट ऑफ इंफेक्शन इन चिल्ड्रन बात में डिस्कस कर चुका हूं ओके okay? राइट right. अच्छा अगर ये बोन है यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिस इज द बोन और ये उसका एपिफिसिस है और ये उसका दूसरा एपिफिसिस है और ये आर्टरी आ रही है, है।, है, है, है लेक्चर वन देखो टर्म्स वाला जो लेक्चर है वो देखो दोबारा से उसको सुनो तो वो लॉन्ग बोन में फॉरामेन जिसमें आर्टरी एंटर होती है उसे नाम देते हैं न्यूट्रिय फॉराम ओके इसमें से फिर आर्ट्री आके ऊपर और नीचे डिवाइड होती है बहुत सारी ब्रांचेस में सो न्यूट्रेड आर्टरी है जो कि मेजर सोर्स ऑफ सप्लाई है लॉन्ग बोन्स का लेकिन देर आर ऑल्सो आर ऑस्टियल आर्टरीज जो ऑस्टियम को सप्लाई करती हैं है, और दे आर मेटाफी आर्टरीज और ये ब्लड सप्लाई यूजअली बहुत सारी सोर्सेज से हो रही होती है यानी एक तो ये आ रही है न्यूट्रेड आर्टरी फिर साइड में जो टिश्यूज हैं उनकी आर्टरीज भी यहां सप्लाई कर रही होती हैं इधर उधर से भी आर्टरी सप्लाई कर रही होती हैं सो इट इज यूजअली आ वेल सप्लाइड ऑर्गन बोन्स की सप्लाई यूजअली बहुत अच्छी होती है ठीक है तो एडल्ट में चांसेस भी इन्फेक्शन के कम होते हैं क्योंकि आर्टरी का जो स्ट्रक्चर है वो कॉन्वोल्यूटेड या हेयर पिन लूप नहीं होता इसीलिए उसमें ऑर्गेनिज्म स्टक नहीं होते तो एडल्ट्स में ऑस्ट्रोमाइल कम होता है बच्चों में ऑस्ट्रोमाइल ज्यादा होता है ठीक है तो ये बात आपको याद रखनी है अच्छा फिर दूसरी बोन्स की सप्लाई कहां से होती है ये तो मैंने आपको लॉन्ग बोन बता दिया ना लॉन्ग बोन में न्यूट्रेन आ रही है और वो डिवाइड हो रही है दूसरी बोन्स की सप्लाई अदर बोन्स में सप्लाइड बाय बोन मेंसरीट जो छोटी छोटी बोन्स होती है तो छोटी छोटी उसकी ब्लड सप्लाई होती है ओके okay? रिब में हाव एवर न्यूट्रीट आटरी होती है रिब इज अ लॉन्ग बोन फिर वेन्स और लिफेटिक्स ये हम बाद में पढ़ेंगे जब वेन्स का टॉपिक आएगा नर्व सप्लाई अच्छा नर्वस अंपनी द ब्लड ब्लड ये यूजुअली हमारी बॉडी का नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है कि नर्व्स ब्लड वेसल्स वेन्स ये एक ही कंपार्टमेंट में चल रहे होते हैं तो नर्व्स भी आती हैं एंड दे आर मोस्ट ऑफ दर आर एन एंड मोटर इन फंक्शन ये मैं बताऊंगा आगे डिटेल में क्या होता है आ, एक बात याद रखिएगा जो पेरिओस्टियम है ना दिस इज हाइली इनरवेटेड इसीलिए पेरिओस्टियम में फ्रैक्चर में दर्द इसीलिए होता है कि पेरिओस्टियम इज हाइली इनरवेटेड इट इज सेंसिटिव

ऑसिफिकेशन अच्छा ऑसिफिकेशन ऐसे होता है कि से फॉर एग्जाम्पल कार्टिलेज है इस कार्टिलेज में एक सेंटर ऑफ एरिया में सेंट्रल एरिया में कुछ सेल्स कैल्शियम डिपोजिशन इंक्रीज कर देते हैं उसे हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन यहां से फिर पूरी बोन जो है वो ऑसिफाई होना शुरू हो जाती है अच्छा देर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन देर आर प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन जो बिफोर बर्थ आपकी बॉडी में बनना शुरू हो जाते हैं ड्यूरिंग एट वीक एंड देर आर सेकेंडरी सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन विच अपेयर आफ्टर बर्थ तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि बोन्स पहले या मेमब्रेन बनाएंगी या कार्टिलेज बनाएंगी अगर मेमब्रेन बना रही है तो मेम्ब्रेनस बोन है ऑसिफिकेशन का प्रोसेस क्या

अक्सर लोग पूछते हैं तो ये लॉ पढ़ लीजिएगा कि दी सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन विर फर्स्ट इज लास्ट टू यूनाइट क्योंकि सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन आपस में यूनाइट होते हैं तो बोन बनती okay? okay, है ओके ओके ग्रोथ ऑफ अ लॉन्ग बोन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोन ग्रोज इन लेंथ बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल्स ऑब्वियसली वेयर इन द दपिफि प्लेट ऑफ कार्टिलेज ये जो एपिफिजियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज मैंने पीछे दिखाई दोबारा दिखाता हूं वेट 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 हम ये सो एपिफेसिस so, था फिर डायफिसिस था डायफिसिस में नीचे ये वाला एरिया कहलाता था मेटाफिसिस एपिफिसिस और मेटाफिसिस के बीच में जो ब्लू चीज है ये थी एपिफिसियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज। सो so, बोन की ग्रोथ एक्चुअली यहीं पे जो सेल्स हैं वो डिवाइड हो रहे हैं उसकी वजह से होती है ओके okay? सो so, एपिफिजल प्लेट ऑफ कार्टिलेज Uh, और थिकनेस भी होती है उसमें डीपर इन द लेयर ऑफ पैरियोस्टियम जो सेल्स हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं सो बोन लेंथ में भी इंक्रीज होती है थिकनेस में भी इंक्रीज होती है ओके okay? तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए एन अदर ब्यूटिफुल डायग्राम जिसमें ये बता रहेगा जी सबसे पहले एम्ब्रियो था ये यह एम्ब्रियो तो में कार्टिलेज बना ठीक है ना फिर देखें कार्टिलेज के अंदर एक एरिया डेवलप हो गया जिसमें बोन बनना शुरू हो गई है इस एरिया को क्या नाम दिया प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन और उसके बाद ये पूरी फिर बोन बन जाती है मेच्योर बोन राइट 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 इजी 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 स्टाफ नाउ नाउ एंड एंथ्रोपोलॉजिकल एस्पेक्ट बोन्स की इंपॉर्टेंस लीगल बड़ी है जब किसी की डेथ हो जाती है तो उससे ये पता हम कर सकते हैं या एक्सीडेंट में कोई बोन मिलती है तो ये पता कर सकते हैं भाई पहली चीज़ इंसान की हड्डी है भी या नहीं इज इट ए ह्यूमन बोन और नॉट अगर वो एक ही बंदे की छह हड्डियां मिल गई एक बोन मिल गई दूसरी बोन मिल गई तीसरी बोन मिल गई तो आपको ये बताना जरूरी है कि वो एक ही बंदे की बोन है या बहुत सारे बंदों की बोन है अच्छा फिर उसकी एज एस्टिमेटेड क्या है जेंडर क्या होगा हाइट कितनी होगी कॉज एंड टाइम ऑफ डेथ तक पता चल सकता है बोन के फोरेंसिक इंस्पेक्शन से ओके एस्टिमेशन ऑफ एज के बारे में कुछ पैराग्राफ लिखा है ईजी टू अंडरस्टैंड खुद पढ़ लीजिएगा पच्चीस साल की उम्र तक एस्टिमेशन एक से दो साल वेरिएशन के साथ आप एग्जैक्टली बता सकते हैं लेकिन पच्चीस साल से अगर बड़ी उम्र हो जाए तो एज वेरिएशन बताना इतना नहीं होता प्लस माइनस फाइव यर्स का डिफरेंस आ जाता है तो रीड दिस एस्टिमेशन ऑफ जेंडर काफी एक्यूरेसी के साथ हम बता सकते हैं पर्टिकुलरली स्कल बोन्स को देख के हिप बोन्स को देख के ये जब मैं आपको अपर लिम और लोअर लिम मेल और फीमेल के डिफरेंसेस बताऊंगा तब ये बात डिस्कस होगी तो जेंडर हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं ये वर्ड सेक्स अब रिप्लेस कर देना चाहिए हमें जेंडर इज एन अप्रोप्रियट वर्ड तो एज बताई जा सकती है बोन्स को देख जेंडर बताई जा सकती है हाइट के बारे में जिक्र बताया जा सकता है काफी एक्यूरेसी के साथ रेस बताई जा सकती है क्योंकि एंथ्रोपोलॉजिकल डिफरेंसेज होते हैं और हाँ ये वर्ड हमने पढ़ा था एंथ्रोपोलॉजिकल डिफरेंसिस याद है इज़ द एंथ्रोपोलॉजीजन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर में बोन्स के राइट right? कार्टिलेज के बारे में थोड़ी बात करते हैं कार्टिलेज के लिए वर्ड जैसे बोन के लिए वर्ड यूज होता था ऑस या ऑस्टियो याद है इसी तरह कार्टिलेज के लिए वर्ड यूज होता है कॉन्ड्रोस डेफिनेशन इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू जो कि कंपोज ऑफ कॉन्ड्रोसाइट इसके सेल्स को हम नाम देते हैं बोन के सेल को बोलते हैं ऑस्टियोसाइट और कार्टिलेज के सेल को बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट इजी थिंग ओके जनरल फीचर्स यहां लिखे हुए हैं इट्स इजी टू अंडरस्टैंड इसको आप खुद पढ़ लीजिएगा इंपॉर्टेंट बात इट हैज नो ब्लड वेसल्स कार्टिलेज इज नॉट सप्लाइड बाय अ डेजिग्नेटेड ब्लड वैसल तो भैया इसको ऑक्सीजन न्यूट्रिशन यीजें कहां से मिलती है फ्रॉम द सराउंडिंग मेट्रेस साइड में जो ऑक्सीजन कहीं और सप्लाई हो रही है वो डिफ्यूजन के थ्रू इसको मिल जाती है ओके इसमें नर्व्स भी नहीं होती इसीलिए इसको पेन नहीं होता किसी का कार्टिलेज में तोड़ दूं उसको पेन नहीं होगा लेकिन अगर किसी की बोन फ्रैक्चर कर दूं उसको पेन होगा क्योंकि बोन का अगर ये बोन है और ये इसकी आउटर लेयर है पैरी ये सेंसरी फाइबर्स इसमें होते हैं यहां पेन होगा ठीक है कार्टिलेज में पेन नहीं होता वेन कार्टिलेज कैल्सिफाइज इट फॉर्म्स बोन्स ईजी थिंग अब बोन और कार्टिलेज की ये आप खुद पढ़ लीजिएगा बच्चों वाली चीजें आराम से समझ में आ जाएगी बोन इज हार्ट कार्टिलेज इज फर्म ब्ला 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 यू रीड इट ओके टाइप्स एक फाइब्रोकार में कहा होते हैं okay? बड़ा अच्छा सा बी डी चौरासिया की बुक में आई लाइक दिस बुक फॉर जनरल जबरदस्त तरीके से लिख दिया कहा मौजूद है खुद पढ़ लीजिएगा okay? लॉन्ग बोन्स में ये होता है यानी ज्वाइंट में सो so, अगर ये मेरा अपर लिम है उसकी बोन है ह्यूमरस और नीचे ये रेडियल तो यहाँ जो ज्वाइंट बन रहा है यहां पे हाई कार्टिलेज होगा ओके ब्लूश व्हाइट इन कलर शाइनी और ट्रांसलूसेंट इट्स वेरी एंड इट्स वेरी फ्लेक्सीबल कार्टिलेज कहां होता है भाई ये वर्टिब्रल कॉलम में होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क में ओके okay? या स्टर्नोक् ज्वाइंट में होता है ये बहुत ग्लिसनिंग व्हाइट होता है इट्स ओपेक डिफरेंसेस पढ़ लीजिएगा इजी टू तो अंडरस्टैंड है राइट 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 तो ये इन्होंने वटिब्री बताई है वटिब्री के बीच में जो कार्टिलेज है कौन सा होता है भाई फाइब्रो कार्टिलेज ओके okay? फाइब्रो कार्टिलेज राइट क्लिनिकल एनाटॉमी कुछ फ्रैक्चर्स वगैरह की बात करते हैं कुछ इन्होंने यहां बताई हैं वो मैं जब रीजनल पढ़ाऊंगा तब डिस्कस करूंगा यहां पे सिर्फ नाम देख लो अगर मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन नहीं हो रही इस वक्त ये टारगेट रखो कि अगर ये वर्ड ना मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या बात हो रही है मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन का मतलब है कि पहले मेम्ब्रेन बनी थी फिर बोन बननी थी लेकिन वो नहीं बनी तो उस डिजीज को फिर क्या नाम देते हैं क्लाइडोक्रेनियलिस अच्छा ये मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन किन किन बोन्स में होती है स्कल में होती है और फेस में होती है यानी ये डिजीज जो भी ये डिजीज है उससे प्रॉब्लम कहां होगा स्कल में और फेस की बोन्स में ठीक है ना तो ये आपको सही से समझ में आनी चाहिए बात अच्छा अगर एंडोकॉन्ड्रल्लासिफिकेशन का मसला है तो यानी वो बोन्स जो पहले कार्टिलेज बना रही थी और फिर बोन्स बना रही थी अब उनमें प्रॉब्लम है और वो बोन्स आपके लिम्स की बोन्स थी तो शॉर्ट लिम्स होंगे है ना देखिए मेक सेंस इस डिजीज को कहते हैं एक तो मैं आपको एक कॉमन कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि अगर आपने अच्छे से पढ़ी हुई है तो ये कॉन्सेप्ट आपके बिल्ड होंगे और कॉन्सेप्ट बनाना मेडिसिन में जरूरी है ठीक है अच्छा जी फ्रैक्चर की बात कर लो ये फ्रैक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यार ये पूरे आप एनाटॉमी में ना बार बार पढ़ रहे होंगे किसे फॉर एग्जांपल ये आपकी ह्यूमरस है ह्यूमरस में अगर फ्रैक्चर बीच में हो जाता है तो क्या क्या होगा अगर ऊपर हो जाता है तो क्या क्या वगैरह 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 इस वक्त यहां जो इन्होंने बात की है वो ये कि क्लोज फ्रैक्चर क्या होता है देखो भाई क्लोज फ्रैक्चर वो होता है कि जिसमें फ्रैक्चर uh, है लेकिन स्किन रप्चर नहीं हुई है यानी स्किन नहीं फटी है मसल्स नहीं फटे हैं सिर्फ आपका अंदर ही फ्रैक्चर हुआ है उसे हम कहते हैं क्लोज्ड फ्रैक्चर लेकिन अगर स्किन डैमेज हो गई और बोन बाहर आ गई है यानी ओपन कांटेक्ट है तो उसे हम कहते हैं ओपन फ्रैक्चर जाहिर है ये ज्यादा खतरनाक है इसमें इंफेक्शन होगा डर्टी हो जाएगा वोड लीजन डर्टी हो जाएगा लीजन ये वर्ड भी कल बताया था किसी भी जख्म को किसी भी डैमेज को लीजन कहते हैं सो फ्रैक्चर कैन बी ओपन फ्रैक्चर इट कैन बी क्लोज फ्रैक्चर विद अ विदिजोंटल लाइन दिस इज हरिजोंटल लाइन एंड विद एन ऑब्लीक लाइन

टू बी हैं जो वर्ड होता है ना तो वो हैंग करते हैं बोन से एसोसिएटेड वाइटमिन डी की डेफिशेंसी आगे पढ़ेंगे के में, मैं अभी इसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं जरूरी भी नहीं है एक और इंपॉर्टेंट डिजीज है जो हम ये भी पढ़ेंगे लेकिन यहां सुन लो क्या है इसको कहते हैं स्पाइना बाइफिडाइन स्पाइनल बायफिडा ये होता है कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड और मैनिजीज का प्रॉब्लम है इसकी तीन कैटेगरीज हैं। एक है स्पाइनल बायफिडा ओकल्टा एक है मैनेजोसील एक है मैनेजो माइलोसील मीनिंग वॉट मीनिंग ये कि अगर

एजिट के एजिंग के साथ साथ जो आपकी बोन में मसले आते हैं इन बोन्स विद इस नानी, दादी, होंगे। उनकी हड्डियां है, है। है आपकी बैक पे जिसे हम कहते हैं डायग्राम है मैंने आपको लेक्चर वन में भी ये समझाया था लॉन्ग बोन है उसमें यहां से एक नर्व गुजर रही है एक्सिलरी यहां से दूसरी नर्व गुजर रही है रेडियल से तीसरी नर्व गुजर रही है अगर इसमें यहां फ्रैक्चर हुआ तो रेडियल नर्व गई अगर यहां फ्रैक्चर हुआ तो एक्सिलरी नर्व गई यहां भाई फ्रैक्चर हो गया तो अल्डर नर्व गई अच्छा हर नर्व आगे कहीं ना कहीं सप्लाई कर रही होती है तो अगर एक्सिलरी नर्व खराब हो जाएगी बंद हो जाएगी फ्रैक्चर हो जाएगी डैमेज हो जाएगी फ्रैक्चर oh, तो नहीं होती खैर लेकिन डैमेज हो जाएगी तो एक्सलरी नर्व जिन जिन स्ट्रक्चर्स को सप्लाई कर रही है वो सारे स्ट्रक्चर्स डैमेज हो जाएंगे वो काम नहीं करेंगे उनमें ए ट्रॉफी शुरू हो जाएगी तो क्लिनिकली ये इंपॉर्टेंट है आपको पता करना कि फ्रैक्चर कहां हुआ है और उस फ्रैक्चर की वजह से डैमेज कहां हो सकता है किस नर्व को और उस नर्व के डैमेज की वजह से आगे क्या डैमेज हो सकता है सो दिस इंफॉर्मेशन इज ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके आम, ये फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे इसके लिए अभी बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना ठीक है थेके? अच्छा बोन मैरो बायोप्सी आपको पता होना चाहिए कि हम बोन मैरो निकाल सकते हैं किसी को सिरिंज डाल के इस तरह से ये देखें सिरिंज डाल के बोन मैरो निकाला जा सकता है इसे कहते हैं बोन मैरो बायोप्सी ये ट्रांसप्लांट्स के लिए यूज होती है बहुत सारी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स के लिए यूज होती है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर यूजली कहां कहां से करते हैं इलिय क्रेस्ट जो पेल्विस होता है हमारा यानी हिप बोन पेल्विक गर्डल उसकी जो इलियम बोन है वहां ऊपर का ये पार्ट क्रेस्ट कहलाता है उसमें से क्रेस्ट में से बोन मैरो निकाला जाता है यूजुअली या फिर मेरुबिनम स्टर्ना स्टर्नम में से निकाला जाता है ओके और ट्यूमर्स भी हैं ये हम पढ़ेंगे पैथोलॉजी में That is all. So congratulations, you have just finished chapter number two of BD Jurassia with Professor Asif Qureshi. So अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो please channel subscribe कर दीजिए हम एक एक करके ये सारे दस जनरल एनाटमी के कवर करेंगे और बहुत जल्द जनरल एनाटमी को कहेंगे बाय बाय हमेशा के लिए एक दफा ऐसे पढ़ लेंगे कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना हो बहुत जल्द हाजिर होंगे आपके सामने अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज अपना ख्याल रखिएगा वीडियो को शेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाय बाय टिल वी मीट नेक्स्ट